मुरादाबाद की तहसील कांट क्षेत्र वाली नगर पंचायत सरकारी बगैर सरकारी कार्यालय के साथ स्कूल कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। साथ ही ग्राम पंचायत सालवा के मदरसा अनुपसा में सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिस पर नगर पंचायत अगवानपुर की कन्या जूनियर हाई स्कूल में भी सुबह 8 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। नगर पंचायत कांट की कक्षा केंद्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दयानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक मुकेश माहेश्वरी ने झंडा फहराया। कक्षा केंद्र कांट के प्रबंधक रजत प्रभाकर द्वारा आने वाले सभी अतिथियों को राष्ट्रीय तिरंगा पट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद कक्षा केंद्र के सभी छात्र छात्राओं ने अपने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के बाद कक्षा केंद्र के प्रबंधक रजत प्रभाकर ने सभी अतिथि एवं छात्र छात्राओं को मिठाई वितरण कर सभी का शुक्रिया अदा कर विदा किया। साथ ही तहसील कांट क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सालवा के मदरसा अनुपसा के प्रधानाचार्य मास्टर सुखवीर सिंह की अध्यक्षता में सुबह 8 बजे राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। उसके बाद सभी छात्र छात्राओं ने अपने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के बाद सभी को मिठाइयां बांटकर कार्यक्रम को संपन्न किया गया। साथ ही नगर पंचायत अगवानपुर के कन्या जूनियर हाई स्कूल में भी प्रधानाचार्य मास्टर आदिल की अध्यक्षता में सुबह 9 बजे राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। झंडा फहराने के मौके पर स्कूल के समस्त स्टाफ के बच्चों को रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी करने में काफी भागीदारी रही, जिस पर सभी छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी को मिठाइयां वितरण कर स्कूल से विदा किया गया। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत माता की। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन सभी जुड़े हुए राष्ट्रप्रेमियों का आपका आभार। साथ ही साथ हमारे बीच पत्रकार बंधु जो समय निकालकर 15 से 20 मिनट हमेशा कार्यक्रम में देते हैं, और उनमें से एक प्रमुखता से मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय श्री तनवीर आलम जी का, जो हमेशा समय से पहुंचते हैं। अमित भैया, जिनको मुझे फोन करना ही नहीं पड़ता, वो बताया कि मुझे कार्यक्रम है, मुझे बस समय बता दीजिएगा। साथ ही साथ और पत्रकार बंधु जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं लेकिन कार्यक्रम में सहभागिता रखने का प्रयास करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अतिथियों के रूप में विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि आदरणीय श्री दीपक एडवोकेट जी, आदरणीय श्री सुधीर भैया जी, और साथ ही साथ आदरणीय श्री मुकेश माहेश्वरी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। मुरादाबाद के खंड विकास कार्यालय में खंड विकास अधिकारी गिरीश पंत की अध्यक्षता में सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, जिस पर खंड विकास अधिकारी गिरीश पंत की अध्यक्षता में देश के सम्मान में खंड विकास कार्यालय छजलेट से बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई। खंड विकास अधिकारी गिरीश पंत से बात करते हुए सिटी चैनल को बताया गया कि हम देश के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालकर जनता को जागरूक कर रहे हैं, जो कि देश की आजादी पर हर एक देशवासी को झंडा लहराकर आजादी की खुशियां मनाने का हौसला बढ़े। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें ब्लॉक के जितने भी स्टाफ है वो सबको लेके एक हम लोग बड़ी सुंदर बाइक रैली निकालवा रहे हैं। ये विकास खंड तो शुरू होगी मतपुरी होते हुए, कांवर पथ होते हुए, गैस की पुलिया से लदावली होते हुए फिर विकास खंड पर समाप्त होगी। मेन उद्देश्य कह रहे थे, मेन उद्देश्य लोगों की देश प्रेम की भावना को जागृत कराना और अपने देश के सम्मान के लिए कुछ भी कर मिटने को तैयार रहना, ये इसका मेन उद्देश्य है। मैं ये अपील करता हूँ कि सब लोग शांति सौहार्द से बनाए रखें, जिससे देश की उन्नति हो सके।